ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेरे यार में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, कई सारी नई चीजें, कई सारे नई फीचर्स, मिसिंग चीजें थी, उनको सुधार के फिर गाड़ी पेश की गई हमारे सामने, फिर भी गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो इसका क्या कारण हो सकता है या कहाँ पे कुछ कमी रह गई या कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फोर्ड फिगो के बारे में, जो सब कुछ परफेक्ट हो गया कह सकते हो कि इस प्राइस टैग के अंदर भी, लेकिन वो गाड़ी तब भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना उसको डिमांड थी या जितनी उसको सेल निकालनी चाहिए उतनी सेल नहीं निकाल पा रही। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में कि क्या कमियां हैं और क्या खासियतें हैं। पहले खासियतें देख लेते हैं, थोड़ी सी झलक दे लेते हैं खासियतों की। मैं 10 ऐसी चीजें लेके चलता हूं जो इसकी खासियतें हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इस गाड़ी का डिजाइन अच्छा लगता है देखने में। ऑस्टिन मार्टिन की लुक वाला डिजाइन देखने में खूबसूरत है, साइड प्रोफाइल भी अच्छी लगती है देखने में, एक सॉलिड सी गाड़ी की फील आती है इस गाड़ी को देख के। तो डिजाइन के मामले में मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनली राय है कि यह गाड़ी अच्छी है। बाकी डिजाइन के लिए तो एस्पेक्ट्स अलग अलग है सबके, किसी को मारुति की स्विफ्ट पसंद है, किसी को ग्रैंड आइटन भी बहुत अच्छी लगती है, और कहीं पे मैं बैठा हूं जिसको फिगो भी ठीक लगी। तो दूसरी बात दोस्तों लेके चलते हैं इसके इंजन्स। कमी दोस्तों सबसे बड़ी इस गाड़ी के अंदर यह थी कि पेट्रोल इंजन इसका एक तो अंडर पावर था और एक बिल्कुल ही 1.5 लीटर का, जो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती थी। अब ड्रैगन सीरीज का जो इंजन इसके अंदर 3 सिलेंडर के आगे हैं, 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी वो इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत साइलेंट इंजन है, 18 से 20 की माइलेज भी निकालता है। तो ये क्या कारण है कि अभी भी इस गाड़ी की जो सेल्स है वो फिगर बढ़ नहीं पाई, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नंबर 3, इसी के साथ जुड़ा हुआ डीजल इंजन, अपने सेगमेंट पे बेस्ट इन क्लास पावर, बेस्ट इन क्लास माइलेज देने वाला इंजन, जिसको कि आप चलाना पसंद करोगे। ड्राइवर एंथुसियास्टिक जो बंदे हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो ड्राइविंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए ड्राइवर सीट पर बैठना एक प्राइड फीलिंग बात है फिगो के अंदर, जो अब वाली है। नंबर 4, इस गाड़ी के अंदर 200 सस्पेंशन सिस्टम और कुशनिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। कोई ऐसी परेशानी आपको कभी भी महसूस नहीं होती, आप खड्डों के भरे रास्ते में चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, कोई दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आती। हालांकि एक दो कमियां दूसरी गाड़ियों में है, एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स, इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को हैंडल किया गया है। हैंडल से आ गया नंबर 5, हैंडलिंग। दोस्तों, फोर्ड की हमेशा से खासियत रही है इसकी हैंडलिंग, तो हैंडलिंग के मामले में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। आप कहीं मर्जी इसको लेके जाइए, कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं आएगी, आप कभी भी ऐसा मिस आउट फील नहीं करोगे कि आउट ऑफ कंट्रोल कुछ हो रहा है, बशर्ते कि आप जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर चल रहे हो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी हमें। गाड़ी को मोड़ते हुए या कॉर्नरिंग में कोई ऐसी परेशानी नहीं आती, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हम कहाँ मुड़ रहे हैं। नंबर 6 पे है दोस्तों इसका प्राइस। जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर दोस्तों ये गाड़ी आती है, उसके अंदर जो इसके अंदर फीचर्स आते हैं और जो इसके अंदर वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, जैसे कि ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग, वाइपर जैसी खासियतें आती हैं टॉप वेरिएंट के अंदर, तो वो चीजें किसी और गाड़ी में नहीं आती इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। 5.23 लाख से पेट्रोल के वेरिएंट शुरू हो जाते हैं, तो इस मामले में देखें तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। नंबर 7 पे दोस्तों इसके सेफ्टी फीचर्स, जिसके बारे में हर एक कोई कहता है कि फोर्ड की सेफ्टी बहुत अच्छी है। 7 नंबर पे जो मैंने रखा कि 6 एयर बैग्स हैं इसके अंदर, और उसके अलावा काफी सारे खासियतें ऐसी हैं जो बेस्ट इन क्लास 6 एयर बैग्स हैं, उसके अलावा तो कुछ और तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ABS, EBD वगैरह तो सारी बाकी चीजें तो आती ही आती हैं। नंबर आठ पे दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से मटेरियल यूज किया गया है, फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, जो कि बाकी गाड़ियों को थोड़ा सा पीछे से धकेल देती है अपने सेगमेंट की। नंबर 8 पे है दोस्तों इसके NVH लेवल्स। आपको यकीन ही नहीं होता कि आप 3 सिलेंडर गाड़ी चला रहे हैं, जब इस गाड़ी को आप चलाएंगे, आप ज्यादा स्पीड पे चलाओ, कम स्पीड पे चलाएं, या फिर हम सिटी के अंदर चला रहे हैं, हाईवे के ऊपर चला रहे हैं, तो कोई ऐसी परेशानी हमें महसूस नहीं होती, कोई वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर ऐसी नहीं आती, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से इसका सस्पेंशन रखा गया है, NVH लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया है, तो इसलिए ये गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। नंबर 9 पे दोस्तों इसकी ड्यूरेबिलिटी। फिगो जिनके पास पुरानी है वो अभी भी
उस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करते कि बार बार कोई नट बोल्ट कहीं से ढीले हो गए हैं या बम्पर में कोई दिक्कत आ रही है या कोई रबड़ की कोई पैकिंग हिल गई है। ये चीजें दोस्तों काफी सारी बाकी गाड़ियों में आते हैं, मैं एक पर्टिकुलर गाड़ी का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी सारी गाड़ियों में ये दिक्कतें आती हैं जो फिगो के अंदर नहीं आती। तो इस चीज को अगर देख के चलें कि आज अगर आप फिगो ले रहे हो तो बहुत परेशानी वाली बात ऐसी कहीं भी नहीं आपको दिखेगी, आप खुश रहोगे इस गाड़ी को लेके। नंबर 10 पे दोस्तों है 1.5 लीटर का जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है अपने सेगमेंट के अंदर, किसी के पास भी 1.5 लीटर का ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं है, जो कि बेहतरीन पिकअप और बेहतरीन माइलेज देता है अपने इंजन के हिसाब से। जितना बड़ा वो इंजन है उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब दोस्तों बहुत सारा मीठा हो गया, गाड़ी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब थोड़ा सा नेगेटिव चलते हैं कि क्यों ये गाड़ी अभी भी नहीं बिक पा रही। नंबर 1, पहली बात दोस्तों, जैसे बलेनो है उसके बाद स्विफ्ट है, i20 है उसके बाद ग्रैंड आइटन है, अब टियागो जैसे है उसके लिए अल्ट्रोज आ रही है, तो फिगो के लिए क्या, फिगो से ऊपर फ्री स्टाइल है, तो इस चक्कर में कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वैसे अगर दूसरी साइड पे देखें तो जैज और WRV भी एक ही चीज़ है, एक ही परफॉर्मेंस, एक ही जैसी उनकी चैसी है, एक ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस गाड़ी को कुछ इस तरीके से मोल्ड किया गया है कि वो लगता ही नहीं है कि एक जैज है, जैज को ही मोल्ड किया गया है। यही प्रॉब्लम दोस्तों फोर्ड की फिगो और फ्री स्टाइल के साथ है कि जो अगर मैं आज लेने जाऊँ फोर्ड की फिगो तो मैं एक बार शोरूम के अंदर जाके साथ में खड़ी फ्री स्टाइल को भी जरूर देखूंगा कि जिसके अंदर थोड़े से पैसे ज़्यादा देके मेरे को बहुत बेहतरीन फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके की एक लुक मिल रही है उसके अंदर, काफ़ी सारी जो सिंक्स 3 इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो इससे बहुत बेहतरीन है, वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, तो अपनी गाड़ी फ्री स्टाइल ही फिगो को पीछे छोड़ रही है। इसके लिए उसको थोड़ा कुछ करना चाहिए था, मेरे को नहीं पता ये फ्री स्टाइल ला के दोबारा फिगो लॉन्च करके क्या कर दिया उन्होंने, इस चीज़ को थोड़ा सा इनको देखना चाहिए था, इसलिए गाड़ी थोड़ी सी पीछे है। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 पे है दोस्तों, मैंने जो बताया आपको सिंक 3 इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर मिसिंग है, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फ्लो बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा एक सिस्टम दे दिया जो कि आप छोटे नीचे के वेरिएंट्स के अंदर भी आपको मिल जाता है, लेकिन जो सिंक 3 की जो परफॉर्मेंस या एक फैसिलिटी है वो इसके अंदर ना देना थोड़ा सा इसको डाउनफॉल में ले गया, क्योंकि इन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसका काम को किया, लेकिन बाकी गाड़ियों के अंदर ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बाकी चीज़ें सब में आ रही हैं, इसके अंदर ये चीज़ मिस है, तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी गाड़ी पीछे रह गई। हालांकि देने की कोशिश की, पहले टच स्क्रीन के अंदर नहीं आता था, बेसिकली ये गाड़ी कह लो कि एक अपडेट तभी दिया गया कि इंजन तो चलो देना ही था तो ये फीचर भी साथ में दे दो, लेकिन इसमें भी मिस कर गए। नंबर 3, इसका जो दोस्तों रियर सीट का कंफर्ट है वो कहीं भी ठहरता नहीं किसी भी गाड़ी के आगे, ना इसके अंदर बॉटल होल्डर हैं, ना कप होल्डर्स हैं, ना मैगजीन होल्डर है, और पीछे की सीट की कुशनिंग भी ठीक ठाक सी है, कोई खास कुशनिंग भी नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं कि जो डील ब्रेकर मैं समझता हूँ कि मानी जानी चाहिए, क्योंकि जो एक हैचबैक, छोटी सी हैचबैक जो ले रहा है मेरे जैसा पर्सन, उसको चाहिए फैमिली के लिए, तो फैमिली के लिए पीछे बॉटल होल्डर, कप होल्डर कुछ तो होने चाहिए थे, वो इसके अंदर नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी ये जरूर इसके गाड़ी के साथ जुड़ गई है। ये सिर्फ फ्रंट पे ड्राइवर के लिए ही गाड़ी बनी हुई है, तो एक पर्सन के लिए तो मोटरसाइकिल भी चलते हैं, तो कभी कभी लेके जानी तो उसके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जब फैमिली लेके जा रहे हैं तो तब थोड़ी सी परेशानी है। हालांकि एसी की पीछे रियर वेंट्स ना होना कोई ऐसी डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि एसी की कूलिंग बहुत ही अच्छी है इसकी, ये प्लस पॉइंट के अंदर काउंट करना मैं मिस कर गया, तो ये उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत इस गाड़ी के अंदर है। तीसरी दोस्तों बात है कि जो फीचर्स इसके अंदर तो चलो ऐड कर दिए गए, लेकिन लुक भी चलो चेंज कर दी, सबसे बड़ी दिक्कत इस गाड़ी के अंदर रह गई कि जो बाहर की तरफ लुक हमें नजर आती है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये फीचर्स डील ब्रेकर नहीं होने चाहिए, लेकिन सबके पास है तो आपके पास क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी बात इसकी डील ब्रेकर है। LED DRLs, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, ये दोनों मिसिंग है, चाहे आप फ्री स्टाइल लिए चाहे एस्पायर ले लिए, किसी में भी नहीं है, तो ये इन गाड़ियों की थोड़ी सी सेल को घटा रहे हैं, ये दिक्कतें इस गाड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। फीचर्स लोडेड गाड़ी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, लेकिन ये फ्रंट में जो DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प का एक कॉम्बिनेशन दे देते तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, थोड़ी सेल और निकाल जाती गाड़ी। नंबर 4 पे दोस्तों है इसकी सबसे बड़ी दिक्कत, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि इसके साथ अभी भी ऑटोमेटिक 1.0 लीटर के इंजन के साथ अभी भी पेट्रोल के अंदर भी नहीं आ रहा और डीजल के इंजन भी ऑटोमेटिक नहीं आ रहा,
एक ही अपने पास ऑटोमेटिक है और वो भी 1.5 लीटर का है और वो भी टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा हमें, इधर हमें नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है कि आपको ऑटोमेटिक देना चाहिए था। आजकल जमाना ट्रेंड चल रहा है ऑटोमेटिक का, आजकल तो गाड़ी एक लॉन्च बाद में होती है पहले उसको ऑटोमेटिक वेरिएंट साथ के साथ देने शुरू कर देते हैं, तो करना चाहिए था। इस करके जिस कस्टमर को ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए वो तो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं क्योंकि इसके पास है ही नहीं। और दोस्तों एक सबसे बड़ी दिक्कत और जुड़ी हुई है, हालांकि ये काफी सारी कोशिश कर रहे हैं इस मिथ को तोड़ने की, लेकिन अभी भी वो मिथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है, फोर्ड की सर्विस बहुत महंगी है। मैंने जब ये बात बोली तो मेरे को थोड़ा सा चंबा हुआ, लेकिन जो सुनने वाले हो गए हाँ यार महंगी है, नहीं, फोर्ड की सर्विस इस टाइम आप यकीन मानोगे कि अपने सेगमेंट के अपने पूरे वेरिएंट्स जहां पे भी गाड़ी चाहे वो एंडेवरी क्यों नहीं है, सबसे सस्ती गाड़ी की मेंटेनेंस पड़ती है, आप यकीन मानोगे 4000 से नीचे नीचे एंडेवर की भी सर्विस हो जाती है। और इसके सर्विस पार्ट्स की कॉस्ट बहुत कम कर दी गई है, अब अट्रैक्ट करने के लिए कह लो कि कैसे मर्जी कह लो, लेकिन ये मिथ अभी तक टूटा नहीं है कि फोर्ड की सर्विस महंगी है। फोर्ड की सर्विस बहुत जनून है, बहुत सस्ती हो गई है अब। और सबसे बड़ी बात कि किसी ने इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी हुई जितनी फोर्ड ने रखी है कि आप सर्विस कॉस्ट जो है वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आपका टाइम लैप्स कितना है, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, कितनी पुरानी है, कौन सा मॉडल है, पेट्रोल है कि डीजल, आप सारी डिटेल भरी है उसमें, आपको कॉस्ट बता देगा कितनी कॉस्ट आपकी गाड़ी की सर्विस की आएगी। अब इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, लेकिन ये मिथ जुड़ा हुआ इस गाड़ी को तंग कर रहा है, इस गाड़ी की सेल्स को तंग कर रहा है। तो जो है सो है, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है ये, लेकिन फिलहाल फिगो के लिए एक प्रॉब्लम का कारण ये भी बना हुआ है। तो बताइएगा कुछ मिस हो गया या आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, या आपको ये चीज महसूस होता है आपको कि जो मैं बता रहा हूँ जो नेगेटिव पॉइंट्स किस करके ये गाड़ी नहीं बिक पा रही, वो अगर आपको भी लगता है कि ऐसा ही है तभी ये गाड़ी बिक नहीं पा रही तो तब भी बताइए, या जिनके डाउट्स दूर हो गए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।